अरे पापा यहाँ देखो मुझे क्या मिला, इसे भून जाने दो। नालायक, ये क्या कर रहा है तू? तुझे कहा था ना वहीं बैठे रहे, फिर यहाँ क्यों आया? वहीं बैठे रहता तो खाने का बंदोबस्त कैसे करता? इस सुअर की औलाद, एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। तेरी वजह से मारी चाचा का परिवार अस्पताल में है, पता नहीं तेरी माँ और बहन कहाँ कहाँ भटक रही होगी, और तुझे ऐसे वक्त में खाने की पड़ी है। देखो बाबा, अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना क्या होता है। पहले भी बताया था तुमको कि मैं सबसे निपट सकता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ और अपना काम करो, मैंने बहुत बम बना रखे है। हट! तेरा भाई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था, इसीलिए मारा गया। अगर मेरी बात सुनता तो आज जिंदा होता। भैया के बारे में कुछ रखो, उसे अपनी सारी ताकत तो मुझे ही दिखाओ। सारे गांव वालों के पैर पड़वा कर भी नरसिंह ने क्या मेरे भाई को जिंदा छोड़ दिया? मेरा भाई कभी चुपचाप नहीं बैठता, वो तुम्हारी तरह तलवे चाटने के बजाय उनके घर में घुसकर एक एक को काट के रख देता। भैया की जगह अगर तुम मर गए होते ना तो हम सुकून से रहते। चिंता, मेरी बात तो सुन। इसे उनकी मैक मिली है, पट्टा खोल इसका। तू मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई? कैसी है रे तू? कितनी दुबली हो गई है, कौन लेके आया तुझे? Ah!
मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर दोबारा मेरे परिवार की तरफ नजर उठाए तो मैं सबको काट डालूंगा। तू यही सोच रहा होगा कि तेरे भाई के कातिल को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया। मन कर रहा था उन सुअरों की खाल खींचकर उनके चिथड़े उड़ा दूं, पर मेरा गुस्सा मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है। तेरा बाबा पहले किसान नहीं था, अपनी जवानी में मैं शराब बनाकर गुजारा करता था। उस इलाके में सबसे अच्छी शराब बनाने के लिए मैं जाना जाता था। शादी हो या मैयत, खुशी हो या गम, लोग मेरी शराब लेने के लिए दूर दूर से आते थे। इसीलिए मेरा मालिक विश्वनाथ उस इलाके का सबसे पैसे वाला इंसान था। वो मेरी इज्जत करता, मेरी हर बात मानता। वो कौन है? कहने को तो मैं उनका नौकर था, पर वो मुझे बेटे की तरह मानते। नमस्ते साहब। कितना माल आया, कितना माल गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका हिसाब करने के लिए कोई तो चाहिए ना। लेकिन शिवा, हम किसी ऐरे गहरे को कैसे रख सकते हैं? ये कोई ऐरा गहरा नहीं है, मालकिन के गांव का है, शायद उनका रिश्तेदार भी लगता हो। दाल चावल के भी पैसे नहीं है, उससे आप घर के काम करवा लेना। ठीक है, इसे 2 महीना रख के देखते हैं। सुन पांडी, मालिक ने तेरे को काम पे रख लिया है, ईमानदारी से काम करना। देख, तूने कहा था कि तुझे हिसाब किताब आता है, मालिक भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, और इस बात का घमंड कभी मत करना कि तू इस मील में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा? तुमने मुझे ये काम दिलाकर मेरे परिवार को भूखमरी से बचा लिया, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अभी लौट कर आता हूँ। अरे तू ये सब क्यों कर रहा है पांडे? आप मेरे मालिक है ना। कलेक्टर ऑफिस से एक समन आया है, उसकी खबर सबको दे दो। ठीक है, ये लीजिए। अरे कुछ शर्ट वर्ट पहन ले। पांडे, घर में औरतें हैं, कमीज क्यों नहीं पहनता? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ दीदी, अब आपके पास ही कोई कपड़ा हो तो दे दीजिए ना। मेरे पास साड़ी है, क्या तू साड़ी पहनेगा पगले? साड़ी से कमीज बनवा लूंगा। सिर्फ ऊपर ऊपर साफ मत कर, ध्यान से कर। हाँ, अंदर से भी साफ कर। चल, मुझे आगे पान का थूक लगा हुआ है, बराबर साफ कर। हाँ, और वो भी। नमस्ते मालिक, जल्दी कर, पहनिए ना। अब से ये आपकी चप्पलें साफ करें। हाँ हाँ, ठीक है, तू मिल में चला जा, आराम से। अरे जब पता है कि मार पड़ेगी तो वहाँ पिटने के लिए जाते ही क्यों हो? अबे चपड़ चपड़ मत कर, वो हमारे वकील को पीट रहा था, समझी ना। ये मेरा बड़ा भाई शंभू, इसने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया, दिन भर इधर उधर भटकता फिरता है। जमींदारों ने जबरदस्ती गाँव वालों की जमीन हड़प ली थी। तेरी समाज सेवा ना हमें ले डूबेगी। तुझे मालूम है कल तेरी बहन के लिए रिश्ता आया था, लड़का भी अच्छा खासा कमाऊ था, लेकिन तेरे बारे में सुनते ही वो लोग भाग खड़े हुए। भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी क्रांतिकारी से करवा दूंगा अपनी बहन की शादी, ताकि उसकी भी पिटाई हो। बहन की शादी अगर क्रांतिकारी से करवाएगा तो उसकी हालत भी भाभी की तरह होगी। ए मुंह बंद कर, तेरा बड़ा भाई है वो, तुझे मैंने यही संस्कार दिए क्या? अच्छा, बड़े बेटे को कमाने के संस्कार नहीं दिए तुमने? घर पे 2 जवान बहनें हैं, उनकी शादी। जमींदारों की बढ़ती लालच ने गांव वालों की परेशानियां बढ़ा दी। बड़ा भाई अभी जिंदा है, उनके खिलाफ एडवोकेट शशाद्री और मेरे भाई ने मिलकर कलेक्टर के यहाँ कानूनी लड़ाई छेड़ दी। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने गरीब किसानों की 2,500 एकड़ जमीन हड़प ली है। क्या साहब, आपने इनकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया? आपको पता नहीं है ये हमें बेइज्जत करने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने काम ही ऐसा किया है कि इल्जाम लगाना पड़ा, सफाई दो। हमारे मालिक के पास खुद की बहुत जमीनें हैं, वो दूसरों की जमीनें क्यों लेंगे? तो इनके तलवे क्यों चाट रहा है? अबे तू तो थाली का बैंगन है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वो तुम लोगों को भड़का कर केस खराब करना चाहते हैं, चलो बैठ जाओ, शांत रहो। तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं की धोखे से जो जमीन हड़पी थी उसी के सबूत यहाँ दिए, उसे गलत साबित कर। देखो विश्वनाथ, अगर जमीन वापस कर दोगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, अगर कोर्ट गए तो सरकार बीच में आएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? सरकार में भी हमारे ही लोग हैं, जानते हो ना। एक ईमानदार जज और सरकारी अफसर तुम्हारी सारी अकड़ निकाल सकता है, ये बात समझ लो। सर, वो जमीन मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है। अच्छा, जब भी हमने तुमसे पैसों की मदद मांगी है बदले में जमीन हड़प ली, तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं देखा हमने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा देकर ही तो वो जमीन ली है ना, फोकट में थोड़ी ली है। अब वो उपजाऊ जमीन ऐसे कैसे दे दूं? लेकिन उस जमीन को उपजाऊ किसने बनाया? इन्होंने, क्योंकि जमीन इनकी है। तुम्हारे जैसे लोगों की गुलामी से बचने के लिए, गरीबों को बराबर का दर्जा देने के लिए अंग्रेज इन्हें वो जमीन देकर गए, और तुमने धोखे से वो इनसे छीन ली। इतने दिनों आयश किया ना, अब उनके बीवी बच्चे मांग रहे हैं तो दे दो उन्हें। हमारी जमीन हमें जान से प्यारी है, जान दे देंगे जमीन नहीं। जब वो जमीन तुम्हारी है ही नहीं तो जान से प्यारी कैसे हो गई?
सर छोड़िए सब, हम लोग कोर्ट जाएंगे तभी ये समझेंगे। वो वकील बहुत ही चालाक है, हम लोगों से सब कुछ छीन लेगा। शिवमणि जरा मंदिर तो चले जाओ, उसके हेड ने हमसे दारू मंगाई थी। हाँ। उसने पैसे दिए नहीं है, जाओ उनसे लेकर आ जाओ। हाँ लेकर आता हूँ। हाँ। मैं अपने मालिक के मन सुबह को नहीं समझ पाया था। वो तो जहाँ भी जाता है परेशानी खड़ी करता है। गांव वालों में से किसने उसे बुलाया है, हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए। और कौन होगा मालिक? शिवमणि का बड़ा भाई शंभू। अरे कोई भी हो, बस सही समय आने दे, कुचल देंगे। तुम सब यहीं रुकना, ठीक है मैं भी आता हूँ। क्या बात है पांडी, बुशर्ट और पतलून में अच्छा लग रहा है। दो महीने में बहुत तरक्की कर ली, मुनीम बन गया, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ। चल 100 रुपया निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे से कौन मांग रहा है, मेरे खाते में से दे। तू जब भी मांगेगा पैसे दे देंगे क्या? अपनी ये मुनीमगिरी दूसरे मजदूरों को जाकर दिखाना। बच्चे बाहर खड़े हैं, पैसे निकाल। जब मैंने एक बार बोल दिया तो बार बार क्यों हाथ फैला रहा है? अब लड़की के सामने हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से। लगता है अपनी औकात भूल गया है तू, पैसा निकाल। मैं मालिक का दूर का रिश्तेदार हूँ समझा, तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। अरे ये कौन चिल्ला है? मालिक बचाओ, मालिक की कोई मार रहा है। कौन है? क्या हुआ, क्या था, क्या समस्या हो गई? उससे 100 रुपया मांगा, मना कर दिया। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लिया कर, उससे क्यों बोलता है? फिर उस सुअर को मुंशी क्यों बनाया हमने? अरे छोड़ ना उसको, तुम मुझसे लिया कर, ले ये पैसे रख। आप मेरे मालिक है, आप जो चाहे कर सकते हैं, वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू नहीं तो उसको मुंशी बनवाया है। शिवमणि तू तो मेरा पुराना आदमी है, ये कौन है? तू बोल दे अभी निकाल देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं,